सलवार भी नई थी और उसके ऊपर पहना गया कुर्ता भी नया था। यानी चीन को यह दिखाया जा रहा था कि पाकिस्तान अब नया हो गया है, मगर एक चीज बिल्कुल पुरानी थी जिसे जिनपिंग को भी याद है और इमरान नियाजी तो बिल्कुल नहीं भूले होंगे। वर्ष 2014 के सितंबर माह में शी जिनपिंग का पाकिस्तान का पूरा कार्यक्रम तय हो चुका था, लेकिन उस वक्त इमरान खान विपक्षी नेता के रूप में ताहिर उल कादरी के साथ इस्लामाबाद के डी चौक पर तहमद लहरा रहे थे। उसके साथ मौजूद जमात गधिया नर्तक कर रही थी। चीन की सुरक्षा टीम इस्लामाबाद आई तो इमरान खान ने धरना उठाने से मना कर दिया, जिसके बाद चीनी राष्ट्रपति को अपना पाकिस्तान दौरा रद्द करना पड़ा था। इमरान खान का यह गधिया नृत्य डी चौक पर 126 दिनों तक चला। तब तत्काल संघीय मंत्री एहसान इकबाल ने कहा था, राजनयिक मोर्चे पर पाकिस्तान को पीछे धकेलने पर इमरान का शुक्रिया, यह हमारे लिए शर्म का कारण बना। मतलब यह कि कहानी वहीं से शुरू हो रही है जहां पर रुकी थी। 2014 से 2019 तक की कहानी बड़ी दिलचस्प है। 5 साल गवाने के बाद इमरान नियाजी फिर वहीं से शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं तारीख खुद को दोहराती है। जिस वक्त जिनपिंग पाकिस्तान आना चाहते थे उस वक्त भी धरना चल रहा था, और अब जबकि इमरान नियाजी चीन में ठुंड के मटका चुके हैं, आज फिर पाकिस्तान में धरने की बातें चल रही है। इसका मतलब यह कि इमरान खान अब यह दिखावा कर रहे हैं कि चीन उनका सदाबहार दोस्त है। वैसे ऐसी दोस्ती किसी काम की नहीं होती जिसमें दिखावा करना पड़ता हो या फिर भोंकागिरी करके साबित करना पड़े। पर यह कहावत सबने सुनी होगी कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, उसके आगे उसे खुदा दिखाई नहीं देता। यानी भागो दौड़ो, चीन में जाओ। लेकिन जिस पलटन को लेकर इमरान खान चीन के पंडाल में अपना मुजरा दिखाने गए थे, वहां पे सिर्फ जिनपिंग की तालियां मिली। बख्शीश तो मिलना दूर की बात है, जिनपिंग ने पाकिस्तान के लहंगे पर भी आधिपत्य कर लिया। इमरान खुशी खुशी गवादर पोर्ट चीन को सौंपकर बेमतलब में कोवागान कर रहे हैं। यानी यहां पर बिल्कुल उल्टा हुआ, मेजबान की बजाय मेहमान ने ऐसा बर्ताव किया कि कहीं नहीं लगा कि यह दो दोस्त मुल्कों की मुलाकात है, बल्कि यहां पाकिस्तान कसीदे पड़ता नजर आया और चीन मुस्कुराता रहा। दरअसल चीन जानता है कि मदरसा पैदाइश केवल बकलोली पर ही गधैया नृत्य ज्यादा जबरदस्त करती है, इससे ज्यादा इन्हें कुछ आता भी नहीं है। चौंकाने वाली बात यह है कि इमरान खान नियाजी द्वारा दिया गया पाकिस्तान आने का निमंत्रण चीन ने स्वीकार नहीं किया, इसके बावजूद भी इमरान खान अपनी चीन यात्रा को कामयाब बता रहे हैं। पाकिस्तान के साथ चीन ने केवल सी पैक पर अपनी शर्त मनवाई, बाकी उसे चीन ने दिया कुछ नहीं। बहुत सारे आश्वासन जरूर दिए, जिसमें इस्पात संयंत्र तेल शोधक कारखाने का सपना दिखाया गया। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।